हाय फ्रेंड, मैं नदीम आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर MI Note 4 आपके हाथ से छूट जाता है और छूटने के बाद आपके फोन में क्रैक्स आ जाते हैं, तुम्हारे स्क्रीन पे टच पे क्रैक्स आ जाते हैं और क्रैक आने की वजह से आपके फोन का बैक बटन, बीच वाला बटन या राइट वाला लेफ्ट वाला बटन कोई भी है, होता है काम करना बंद कर देता है। जैसे ही वो काम करना बंद करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको इन बटन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे नहीं चल रहे तो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे अपना फोन चला सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। अपने फ़ोन में सबसे पहले मैं सेटिंग देखना है, सेटिंग पे जाके क्लिक करना है। इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाके हमें एक्सप्लोर न्यू फीचर्स पे देखना है और उस पे जाके क्लिक करना है। ये एक्सप्लोर न्यू फीचर्स पे क्लिक करना है और एक्सप्लोर न्यू फीचर्स पे क्लिक करके यहाँ चार ऑप्शन है, क्विक बेल, वन हैंडेड मोड, सेकंड स्पेस, क्विक रिप्लाईज। तो क्विक बेल पे हमें क्लिक करना है, तो मैं क्विक बेल पे क्लिक कर देता हूँ। अब टर्न ऑन क्विक बेल करना है। अब जैसे हम ऑन करेंगे इसको, ये देखिए हमारे लेफ्ट में ऑप्शन आ गया है आपका बटन वाला, इसमें बैक बटन, स्क्रीनशॉट, लॉक, मेन मेनू, होम, सब आ गया है। कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। अब हम यूज करके देखते हैं। देखिए आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और अब जैसे आप चलाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने फ़ोन वाले की। फिर चलाएंगे वीडियो को, सब्सक्राइब और लाइक करें एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।